हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। आज मैं मेरे गांव पर आए, हमारे यहाँ बांस के पौधे आए दोस्तों, अनुसंधान भोपाल से हमारे सर आए, लेकर आए हैं, बहुत हम उसको धन्यवाद देते हैं। तो सर आप बता सकते हैं कैसे क्या काम करेगा ये, कितने दिन के? देखो ये जो है ना बांस ग्रोवर करके योजना है सरकार की, ये महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत कृषकों को बांस के पौधे उपलब्ध करवाए जाते हैं और इसके ऊपर सब्सिडी भी का प्रावधान होता है। जो किसान अपने खेत में बांस के पौधे लगवाना चाहता है उसके द्वारा शासन ने योजना चालू की है। इसके लिए किसान को पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और फिर रजिस्ट्रेशन उपरांत वो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जिसमें खसरा नंबर और खाता नंबर, आधार कार्ड, समग्र आईडी, इस प्रकार के डॉक्यूमेंट वन परिचित कार्यालय राजगढ़ में जमा होते हैं। वहाँ से ये आपके डॉक्यूमेंटेशन अप्रूव होने के बाद इसकी डिमांड जाती है अनुसंधान विस्तार भोपाल को। वहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली हमारी R&D शाखा होती है वहाँ से इस ये बोम्बो की ये प्रजाति आती है। ये जैसे कि आप देख पा रहे हो इधर, बताइए रामेश्वर जी, ये जो बांस की जो प्रजाति है ये काफ़ी स्पेशल प्रजाति है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं ये हमारा R&D का पौधा है। ये अनुसंधान विस्तार जो है हमारा भोपाल वालों ने इसको तैयार किया है। ये काफ़ी स्पेशल वेराइटी होती है, इसका मुख्यतः उपयोग बच्चों को खिलौने बनाने, फर्नीचर बनाने, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तथा ये जो बांस है इसकी खास तौर पे विशेषता ये कि इसमें कांटे नहीं होते हैं और ये एकदम सीधा जाता है। ये बांस क्या है, एकदम सीधा जाता है, जो आपस में उलझता नहीं है। तथा अभी कमर्शियली उपयोग के लिए जैसे कि बल्ली वगैरह बनाने के लिए भी इसका उपयोग बहुत मात्रा में किया जा रहा है। तथा ये बांस की प्रजाति फास्ट ग्रोविंग में आती है। लगभग ये पौधा जो है लगभग 4 से 5 साल में पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा। इसके बाद आप इसको जो इसका बांस है उसको आप हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ये इसकी विशेषता है। तथा इसके साथ सरकार सब्सिडी की योजना भी रखी है, वो भी आपको मिल सकती है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तथा ये हमारे कृषक हैं भारत सिंह जी, इनके द्वारा आवेदन किया गया था, उनको ये पौधे अलर्ट हुए हैं उनके ज़मीन के लिए। तो अगर आपको भी अगर ये पौधे इस प्रकार से अगर चाहिए सरकार की स्कीम के तहत तो आप वन विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए हमारा वन परिक्षेत्र कार्यालय है। तथा आप ये कृषक जो हैं अधिक जानकारी के लिए रामेश्वर और ये भारत सिंह जी इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने हमारा वीडियो जो अभी हमने बनाया है काफ़ी खूबसूरत पौधे है दोस्तों। तो हम यहाँ पे सभी को हमारे जो भी गांव से सदस्य है दोस्तों, हम उनको ये पौधे उनके जो यहाँ पे ज़मीन है, जो यहाँ पे तो काम वाली काम नहीं आती ज़मीन, वहाँ पे हम ये पौधे लगवाएंगे दोस्तों गांव पर। तो बहुत ही खूबसूरत है और 1 से 2 साल में बहुत बड़े हो जाएंगे दोस्तों। और ये बांस के पौधे बड़े हो जाएंगे, 5 साल का जो समय दिया है इसको, 5 साल में बहुत बड़े हो जाएंगे दोस्तों। इसको हम काम कर सकते हैं लकड़ी बनाने में, फर्नीचर बनाने में। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत पौधा है जैसे आप इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं। अभी हमने ये भोपाल से मंगवाया दोस्तों। तो मैं दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इसका जहाँ भी हम लगाएंगे अच्छा है इसका, हम जैसे बड़े हो जाएंगे उसके बाद हम एक नया व्लॉग बनाएंगे दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों पौधा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। और हमारे साथ में छोटू है, छोटू कैसा लगा पौधा बता दीजिए, कैसा लगा वीडियो में? अच्छा लगा ना पौधा अच्छा लगा ना? हाँ छोटू को भी बहुत अच्छा, छोटू को भी अच्छा। ए भाई किसके? अच्छा खिलचीपुर की है। अच्छा अच्छा तो बढ़िया लगा ना पौधा, छोटू को भी बढ़िया लगा पौधा दोस्तों, और हमें भी बहुत अच्छा लगा है। तो अगर आपको चैनल में व्लॉग पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहे, हम आपके लिए अच्छे अच्छे नए नए व्लॉग लाते रहेंगे। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद।